तो भाइयों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पे। और मुजफ्फरनगर जो है हरिद्वार से सीधे जो कांवड़ लेके आने वाले हैं वे सबसे पहले मुजफ्फरनगर में एंटर होते हैं। तो आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये भाई कांवड़ लेके आए हैं, उनके साथ एक माता जी भी है। इन्होंने साइड में माता जी को बिठा के इसे कंधों पर ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ में जो है गंगा जल भी रखा है। इनसे हम बात करेंगे भाई क्या कुछ है, क्या इनकी कुछ मांगे, मतलब भगवान से इन्होंने कुछ मांग कर रखी थी जिस वजह से इन्हें आज ऐसे आना पड़ रहा है। तो भोले भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि भैया। तो कैसे, मतलब कितने आदमी हो आप? हम चार है, हमारी मम्मी है। माता जी का क्या नाम? मेरी चाची संतोष जी। अच्छा, माता जी नाम क्या है आपका? संतोष। तो भाई वहाँ से हरिद्वार से आप ऐसे ही आ रहे हो? हाँ जी, ऐसे जा रहे हो वहाँ? हाँ जी, पैदल ही आ रहे हो। तो माता जी का और इसका जल का क्या हिसाब है? 60 किलो वेट उधर है, 60 इधर है। अच्छा, हाँ जी। तो आपने कुछ ऊपर वाले से जो है पहले कुछ मांग थी आपकी कि भाई बोल रखा हो कि भाई हमें ऐसा कावड़ लानी? तो पहले बार आया हूँ, मेरे 51 लीटर जल है, माता जी की है। अच्छा, छोटे वाला भैया ही है। अच्छा, तो आपने मतलब पहले से कोई बोल नहीं रखा था? नहीं जी। तो भाई आपका क्या नाम है? लोकेश। तो कैसा लग रहा है कावड़ मांगे? कौन सी कावड़ है आपकी? श्रवण कुमार दूसरी कावड़ है। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा। माता जी को आप ही ले जा रहे हो या और मतलब सब नंबर वार से? सारे नंबर वार से ले जाते हैं। आपका क्या नाम है बोले? हरीश। तो कैसा महसूस दे रहा? बढ़िया महसूस दे रहा है। अच्छा, तो क्या कुछ मतलब कितने कब चले थे आप वहाँ से कावड़ से? हम चले थे 14 तारीख को। 14 तारीख को कितना जल है आपके पास? 14। अब कहाँ पे चढ़ाओगे आप जल? हम चढ़ाए थे पूरा महादेव पे। अच्छा, तो कब तक पहुँच जाओगे वहाँ पे? ये 2 तारीख से पहले पहुँच रहा है जी। 2 तारीख का चला है वो गांव में पहुँच रहा है 2 तारीख को। तो अच्छा, रोजाना कितना चल रहे हो आप? ये चलते हैं 15-20 किलोमीटर जी बस। अच्छा, खाने का रहने का जुगाड़ किस तरीके से करते हो? होटल पे जी। होटल पे? हाँ जी। अच्छा, और रात को कैसे रहते हो? रात को होटल के बाहर सो जावे। अच्छा, माता जी भी साथ रहते? हाँ जी। तो हम वो एक और भाई से बात करेंगे, इनका भी नाम जानेंगे। क्या नाम है बड़े भाई? पवन। पवन बोले। हाँ जी। तो आपकी कौन सी कावड़ है? दूसरी कावड़ है। दूसरी कावड़ है। माता जी से क्या संबंध है आपका? मम्मी हमारे। मम्मी आपकी? अच्छा, माता जी आप पहली बार आई है कावड़ में, इससे पहले भी आई हो? दोबारा आए हो। तो पिछली बार जब आप आए उस टाइम कैसे आए थे आप? इसी तरीके से जाते हो? हाँ। पिछली बार भी इसी तरीके से गए थे? हाँ। अच्छा, तो आपकी कुछ ऊपर वाले से मांग रखी है कि भाई ऐसे करना है? अपनी खुशी से लाए वाला। अपनी खुशी से लाए हैं। तो कैसा लग रहा है अपने बच्चों के साथ में आगे आपको? चलिए हम जानेंगे और भी दिखाएंगे आपको क्या क्या सामान ले रहा है भैया। आ जाओ साइड में आ जाओ, देख सकते हैं ये लिखा इनके दूसरी श्रावण कावड़ है ये भाई की। और ये एक टेम्पो ले रहे हैं, थोड़ा म्यूजिक सिस्टम वगैरह है इसमें चल रहा है। तो पूरा जल कितना है भैया आपके पास? एक 25 तो ही है जी। और 51 वो है। अच्छा, तो उसे भी सार? हाँ जी, नंबर वार से ले रहे? हाँ जी, नंबर वार से ले रहे। पहले उसे रखे फिर इसे लेके चले अभी। कितने किलोमीटर पड़ जाएगा आपको आगे? और आगे पड़ जाएगा हमें 70-80 के करीबन। अच्छा, तो क्या कुछ लग रहा है मतलब कितना खर्चा आ जाएगा आपका पूरा कावड़ में? खर्चा तो जी पता ना, ऊपर वाला मालिक है हमारा, तो जैसे भी दिल खोल के करा जा रहा। दिल खोल के करा, जितना बैठेगा उतना बैठा। हाँ जी। तो भाई देखो, श्रद्धा की कोई कीमत नहीं होती, आदमी अपनी श्रद्धा से कितना भी खर्च कर सकता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो ऐसे ही भोले मिलते रहेंगे हमें हर जगह पे, मतलब श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से जो भी चाहता है वो करने को चाहता है, जो उसका मतलब दिल में रहता है वो देखता नहीं कि भाई पैसा कितना है, कितना लगा, खर्चा कितना आता है, सिर्फ श्रद्धा ही उसके लिए सर्वोपरि होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं माता जी इनके साथ में है। हम आपको और भी क्लिप दिखाएंगे इनकी।